गरियाबंद जिले के ओडिशा बॉर्डर जंगल में नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, पुलिस को इस एरिया में नक्सल मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान गरियाबंद धमतरी सीमा में बोराई गांव के इकवारी के जंगलों में नक्सली और पुलिस अर्धसैनिक बल की मुठभेड़ हुई। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान नक्सली कैंप से ग्रेनेड लॉन्चर और ग्रेनेड सेल के साथ अन्य नक्सली सामान व साहित्य बरामद किया गया। जंगलों में नक्सलियों माओवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर जिला धमतरी, जिला गरियाबंद और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया था और उसमें कल रात्रि में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ, फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद एरिया को कॉर्डन करके रात भर सर्च अभियान चला है। उसमें माओवादी अंधेरे और जंगल की आड़ लेकर फरार होने में मौके से कामयाब रहे, पर उनका जो वहाँ पर हाइड आउट था वहाँ तक पहुँचने में सफलता मिली। कुछ चीज़ें वहाँ से सीज की गई हैं जो माओवादी छोड़ के गए और घटनास्थल पे खून के धब्बे भी मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अच्छा खासा उनको नुकसान हुआ है, कुछ माओवादियों के घायल होने या मृत्यु हो जाने की संभावना है। करीब 20-25 की संख्या में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी।